स्किन के इश्यूज को तो ये सॉल्व करता ही है, बट उससे भी ज्यादा ही आपके गट रिलेटेड सारे इश्यूज को सॉल्व करता है। हाय माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम जस्ट बैक फ्रॉम माय जिम। मैं अपने लिए एक ड्रिंक बनाने जा रही थी एंड उसके रिजल्ट्स सोच के मुझे लगा आई शुड शेयर इट विद यू ऑल। इस ड्रिंक के बारे में मैं जितना ही बताऊँ उतना कम है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बेनिफिट्स आप लोगों को बताती हूँ एंड उसके बाद यू गॉट टू ट्राई दिस। इस ड्रिंक के ना लाइक मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, सीरियसली मल्टीपल। मतलब अगर आपको बॉडी में अपार्ट फ्रॉम एक्ने, पिगमेंटेशन, इन सब के अलावा भी स्किन में अनइवन टोन, स्किन के इश्यूज को तो क्लियर करता ही है, आपके हार्मोन्स को भी रीसेट करता है। फीमेल बॉडीज में तो हार्मोन्स आर लाइक ऑलवेज प्लेइंग कबड्डी, 10 दिन कुछ 10 दिन कोई मूड, कभी कुछ मन करता है, कभी कुछ मन करता है, कभी कुछ भी मन नहीं करता है, तो इट इज लाइक क्रेजी। तो माई पीरियड्स आर ऑल्सो अराउंड, सो आई एम गेटिंग फ्यू पिंपल्स हेयर एंड देयर ऑन माई फेस। सो मैंने सोचा कि लेट मी स्विच टू अ समर ड्रिंक नाउ। आई वुड नॉट से कि आपके स्किन को, मतलब अगर आपका ब्राउन शेड है तो आप बिल्कुल आइवरी शेड पे पहुंच जाएंगे, बट इट डेफिनेटली क्लियर्स आउट योर स्किन। यह आपकी ही स्किन का बेस्ट वर्जन आपको जरूर दिखा देगा। आपकी स्किन में किसी भी तरीके के एक्ने वगैरह आते हैं, स्किन सेंसिटिव है, पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक का इशू रहता है, ऑफकोर्स पेट से रिलेटेड ही स्किन है, पेट में अगर इश्यूज हैं तो स्किन पे वो जाहिर सी बातें दिखता ही है। एंड देन ऑफकोर्स हमारे हॉर्मोन्स, अगर पीरियड साइकिल से पहले फीमेल्स, काफ़ी सारी फीमेल्स को टेंडेंसी होती है एक्ने एंड ब्रेकआउट्स की, लाइक मुझे भी है। तो आप इसको लेके देखिए इस ड्रिंक को एंड यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स। मिनिमम इसको आप लोग 1 महीने तक ट्राई करिए एंड आई वुड से कि एटलीस्ट 6 मंथ, जितनी टाइम समर का ड्यूरेशन है उतने टाइम आप लोग इसको पीजिए एंड डू सी चेंजेस इन योर स्किन कॉम्प्लेक्शन एंड एवरीथिंग। अगेन मैं बार बार यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रही हूँ, स्किन का कॉम्प्लेक्शन ऐसा नहीं है कि स्किन गोरा हो जाए, आई एम एब्सोल्यूटली अगेंस्ट इट। हमें स्किन गोरा या काला इससे कोई मतलब नहीं है, हमें स्किन अच्छी चाहिए, ग्लोइंग चाहिए, रेडियंट चाहिए एंड स्किन जो है टाइम से पहले एज ना करे, ये सब हमें स्किन पे बेनिफिट्स चाहिए। तो आप लोग इसको पीजिए और पी के आप लोग खुद देखिए, खुद चेक करिए कि आप लोगों को उसके किस तरीके के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वन मोर डिस्क्लेमर हियर, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट से एलर्जी है या कोई इशू है या फिर आपको डॉक्टर की, मतलब आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है जिसके अंडर आपको ये इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है लेना अलाउड नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को स्किप करके भी इस ड्रिंक को बना सकते हैं, बट बेनिफिट जो है आपको सारे इंग्रीडियंट्स के साथ ही मिलेगा। मैंने ये ड्रिंक बहुत पिया है, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैक के शेड कार्ड से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। आई यूज टू यूज NC42, अगर आप लोगों को पता हो मैक का जो न्यूट्रल कूल शेड जो रहता है, दैट इज NC42। तो मैं 2015-16 में जब यूज करती थी तो मुझे NC42 उसका सूट करता था एंड नाउ इस ड्रिंक को मैंने पिया एंड जब मैं इस ड्रिंक को पीती थी ना, आई यूज्ड टू लिव इन गोवा, तो गोवा में जनरली लोगों का कॉम्प्लेक्शन और डार्क हो जाता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड क्लाइमेट एंड वहाँ का टेम्परेचर, और कोस्टल रीजन्स में जनरली कॉम्प्लेक्शन जो है डार्क होना चाहिए, बट माई स्किन शेड हैज़ गॉन डाउन टू NC40। नाउ मुझे मैक का NC40 जो शेड है वो सूट करता है। ऑफकोर्स मैं और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, लाइक माई स्किन केयर रूटीन, टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाना, ज़्यादा होम रेमेडीज करना, दिस डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस। बट अगेन अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है एंड समर्स आर अराउंड द कॉर्नर, सो प्लीज गिव इट अ ट्राई। उसके अलावा ये आपके पेट को ठंडा रखेगा, आपको लू लगने के चांसेस बहुत कम होंगे, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इन सब का इशू रहता है तो वो सब कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा, डाइजेशन आपका बेटर हो जाएगा। जिनको भूख नहीं लगती है या मतलब बहुत ज़्यादा लगती है तो ये उसको बैलेंस करता है, एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स है वो रीसेट होने लगते हैं एंड बाकी स्किन के ऊपर जो लश्चर, रेडियंस, स्किन में जो ब्राइटनेस आता है, जो रेडियंस आएगा, वो सब आपको इसका साइड इफेक्ट कह लो या फिर आप कह लो इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, ये सब आप इस ड्रिंक को पियोगे, पेट क्लीन होगा, आपके हॉर्मोन्स रीसेट होंगे एंड ऑटोमेटिकली आपके स्किन के ऊपर वो लश्चर, वो ग्लो आप लोगों को दिखेगा। बट यस, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस ड्रिंक को आपने पिया एंड उसके बाद आप कुछ भी गंद वाला खा रहे हैं, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, यू हैव टू वर्कआउट सो दैट आपके, आपको स्वेट हो एंड आपके जितने भी पोर्स हैं वो ओपन हो, आपके
बॉडी में से जितने टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो। आपको नींद बहुत अच्छी लेनी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे की ज़बरदस्त नींद लेनी है। आप 8 घंटे की लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 घंटे की भी लो तो ऐसी नींद लो जिसमें आपको फील हो कि आप जो है बिल्कुल फ्रेश होकर उठे हैं, आपको उसके बाद नींद से उठने के बाद कोई थकान नहीं लग रही है, कोई चिड़चिड़ापन नहीं लग रहा है, वैसी नींद आपको चाहिए। नींद से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। आप 1000 चीज़ें कर लो, अगर रात को आप ठीक से नहीं सो रहे हो या वो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है एंड उसी जिस हालत में आप उठ रहे हो उसके साथ ही आप दिन भर के सारे काम ड्रैग करते जा रहे हो, फॉर श्योर कोई मेडिसिन कुछ भी काम नहीं करेगा। जो भी काम करेगा वो टेम्प्ररी बेसिस पे करेगा, क्योंकि नींद का ही वो टाइम होता है जब आपकी बॉडी में सब तरीके के रिपेयर होते हैं, मतलब आपके जिन हॉर्मोन्स को रेस्ट करना चाहिए उस टाइम पे रेस्ट करते हैं, जिनको वर्क करना चाहिए उनको वो वर्क करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर नींद, डाइट, आपका वर्कआउट, ये सब चीज़ें सही हो। अगर आप लोग प्राणायाम वगैरह करते हैं तो उसमें और चेरी ऑन द केक हो जाएगा। तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखिए। एंड ऑल्सो दिस ड्रिंक गिव्स यू इंचेस लॉस प्रोवाइडेड इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट एंड योर वर्कआउट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक आप पीते रहो, अगर आप सिर्फ ड्रिंक पी रहे हो और दिन भर आप फ्राइड स्पाइसी जो नहीं खाना चाहिए वो सब भी खा रहे हो, अपने पोर्शन से ज्यादा खा रहे हो, तो फिर तो वो रिजल्ट नहीं देगा। बट अगर आप सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हो तो फॉर श्योर इस ड्रिंक से आपको इंचेस लॉस भी देखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए पूरा प्रोसीजर ड्रिंक को बनाने का एंड किसको किस तरीके से इस ड्रिंक को लेना है। तो बिना डिले करते हुए चलिए मेरे किचन में फटाफट से मैं ये ड्रिंक आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ। इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने कुकटॉप के ऊपर एक वेसल रखा है एंड उसमें मैंने 2 कप पानी लिया है। ये पानी मैं कॉफ़ी कप के मेजरमेंट से ले रही हूँ। नेक्स्ट इस पानी में हमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 18 से 20 पुदीने के पत्ते, साथ ही में मैंने लिए है 2 इलायची, छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम जो होता है, एंड मैंने यहाँ पर लिया है फेनल सीड्स यानी सौंफ। तो आप कोई भी सौंफ ले सकते हैं, बड़ी या छोटी। और इस सौंफ को मैंने इस चम्मच के मेजरमेंट से लिया है, तो आपके घर की जो रेगुलर स्पून होती है उससे आपको 1 चम्मच सौंफ लेना है। अब ये तीनों चीज़ें हम पानी में ऐड कर देंगे एंड पानी को अच्छे से उबलने देंगे। फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स पानी को हाई फ्लेम पे उबालना है, उसके बाद फ्लेम को स्लो करके 4 से 5 मिनट हम और बॉयल करेंगे। इन टोटल आपको 9 से 10 मिनट इस ड्रिंक को जो है बॉयल करना है। ये ड्रिंक जैसे जैसे बॉयल होता जाएगा इस ड्रिंक का जो कलर है वो गोल्डन कलर में टर्न होने लगेगा। इस ड्रिंक में जो तीनों इंग्रेडिएंट्स गए हैं वो आपकी स्किन के लिए, आपके पेट के लिए और आपके ओवरऑल हेल्थ पर ये वंडर्स करती है। 10 मिनट तक बॉयल होने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे एंड इस ड्रिंक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ड्रिंक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। 5 मिनट के बाद इस ड्रिंक को हम एक कप में अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस ड्रिंक को कौन किस तरीके से ले सकता है। तो जिनकी भी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन है या फिर एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, फेस पर डार्क स्पॉट्स है, ब्लेमिशेस के मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन के मार्क है, तो वो लोग इस ड्रिंक में लेमन ऐड करके लेंगे। और जिनकी भी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई है, मच्योर है या फिर काफ़ी ज़्यादा एजिंग नज़र आती है, बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस दिखते हैं, वो लोग लेमन के साथ इसमें 1 चम्मच ऑर्गेनिक हनी भी ऐड करेंगे। तो यस, आवर ड्रिंक इज़ ऑल रेडी टू एंजॉय। इस ड्रिंक में जो 3 स्टार इंग्रेडिएंट्स गए हैं उनके हमारे हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं ये आप सब खुद ही रिसर्च कर सकते हैं। एंड ये तीनों एक साथ कॉम्बिनेशन में इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉक्शन बनाता है और उसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे हेल्थ के लिए, दैट तो यू गॉट टू एक्सपीरियंस इट बाय योर सेल्फ कम्प्लीटली। आप इस ड्रिंक को मॉर्निंग में सबसे पहले खाली पेट लेंगे, मतलब कुछ भी खाने पीने से पहले सबसे फर्स्ट आपको ये ड्रिंक लेनी है। और अगर आपको लगे कि आपको एक बार और लेना है तो आप रात में डिनर के 1 से 2 घंटे के बाद इस ड्रिंक को फिर से एक बार ले सकते हैं। आशा करती हूँ दैट द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ इट वॉज देन प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू फील दैट वीडियो कुड बी हेल्पफुल फॉर समवन एल्स देन प्लीज़ डू शेयर इट विद देम।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आप सब अपना खूब ख्याल रखिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।